हेलो एवरीवन, सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी जो कि अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शस्त्र है टू अवॉइड अरेस्ट इन अ नॉन बिलेबल ऑफेंस। इसे हम एंटिसिपेटरी या प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं। अगर बात करें इसके इतिहास की तो सेक्शन 438 वाज नॉट इंक्लूडेड इन द सीआरपीसी ऑफ 1898, लेकिन सितंबर 1969 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजन को ऐड करने के लिए रिकमेंडेशन सजेस्ट की गई। इसके पीछे रीजन दिया गया कि एंटिसिपेटरी बेल फॉल्स केसेस के अगेंस्ट एक एंटीडोट की तरह काम करेगा। फाइनली एंटिसिपेटरी बेल क्लॉज को सीआरपीसी के ड्राफ्ट बिल ऑफ 1970 यानी 1970 में इंक्लूड किया गया और आज हम सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 438 को एंटिसिपेटरी बेल के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल या प्री अरेस्ट बेल के सेक्शन 438 के मेन प्रोविजंस क्या हैं। नंबर वन, सेक्शन 438 कैन बी यूज्ड व्हेन एनी पर्सन बिलीव्स दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्यूजेशन ऑफ एनी क्राइम व्हिच इज नॉन बिलेबल ऑफेंस। नंबर टू, इन दिस केस वह किसी भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। नंबर थ्री, कोर्ट अगर चाहे तो इस अपील में अक्यूज्ड को अरेस्ट होने पर बेल ग्रांट कर सकता है। लेट्स सी सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 438। नंबर वन, समटाइम्स इन्फ्लुएंशियल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अरेस्ट एज अ टूल टू सप्रेस और बुली देयर राइवल्स। एंटिसिपेटरी बेल इस केस में विक्टिम के काफ़ी काम आता है। नंबर टू, किसी भी सोसाइटी में जेल जाना बहुत ह्यूमिलिएटिंग होता है और अगर एक इनोसेंट इंसान जेल जाता है तो सोसाइटी ऑलरेडी उसे कल्प्रिट मान लेती है। ऐसे में सेक्शन 438 यानी सेक्शन 438 इस ह्यूमिलिएशन से, इस बेइज्जती से उस विक्टिम को बचा सकता है। नंबर थ्री, पॉलिटिकल राइवलरी यूजेस अरेस्ट वेरी फ्रिक्वेंटली। ऐसे में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मोस्टली सबसे ज़्यादा हैरेस किए जाते हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी ये कानून उनके बहुत काम आ सकता है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में सेक्शन 438 यानी सेक्शन 438 को किसी टाइम फ्रेम या फिक्स पीरियड के बाउंडेशन के बाहर डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब है कि एंटिसिपेटरी बेल एफआईआर फाइल होने के पहले भी फाइल किया जा सकता है, पर इसे ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बेल के एप्लीकेशन में सिर्फ कंक्रीट फैक्ट्स और प्रॉपर रीजंस होने पर ही एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट किया जाएगा। आइए अब समझते हैं सेक्शन 438 के कुछ ड्रॉबैक्स को। नंबर वन, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग सेक्शन 438 का सहारा लेकर फेयर ट्रायल को बाईपास कर सकते हैं। नंबर टू, पॉलिटिकल लीडर्स एंड करप्ट ऑफिसर्स आल्सो यूज एंटिसिपेटरी बेल एज अ टूल टू अवॉइड एनी अरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिविल रॉन्ग डूइंग। एंड नंबर थ्री, समटाइम्स अरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर पुलिस एज द इन्वेस्टिगेशन नीड्स इट, पर सेक्शन 438 की वजह से पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अक्यूज्ड की कस्टडी नहीं मिल पाती और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एंटिसिपेटरी बेल आर्टिकल 21 के डेप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी को सेफगार्ड करता है, पर हर लीगल टूल की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से जुडिशरी को ज़्यादा केयरफुल होकर ही सेक्शन 438 को डील करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।